मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। मैं आज के दिन अपने सभी जनपद के और प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को नए साल की बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उनको और उनके परिवार को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे और वो लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें और प्रोफेशन का काम सुचारू रूप से चल सके। साथ ही पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद के और तहसील कलेक्ट्रेट के जो भी पदाधिकारी चुने गए हैं, नव निर्वाचित हुए हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो किन्हीं वजह से चुनाव हार गए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पुनः मेहनत करें और आने वाले दिन में उनका भी नंबर आएगा। एक शब्द का प्रयोग हो रहा था चुनाव से पहले, काकस। ये हम इस पे जानने दें, काकस क्या है? और आपने कहा कि माफियाओं का आतंक समाप्त हो गया, तो कैसे हुआ, क्या था पूरा मामला? असल में जो लोग काकस काकस कहते थे वो खुद एक काकस थे और उनकी पूरी एक कंपनी थी कि अगर कोई अधिवक्ता हित में आवाज उठाता है उसको दबाओ, उसको भगाओ, उसको डैमेज करो, उसको तंग करो, उनको परेशान करो। लेकिन ये इन लोगों की जो नौटंकी देखते देखते और अधिवक्ता बड़े गौर से दो साल से इन लोगों के क्रियाकलापों को देख रहा था और देखते देखते वो इस निर्णय पर आया कि काकस शब्द का इस्तेमाल करने वालों को कचहरी में रहना कहीं से भी अधिवक्ता हित में उचित नहीं है। इसलिए उन लोगों ने जो कैंडिडेट लड़ाया वो बुरी तरह से हारे और अच्छे लोगों का चयन हुआ और सारे पदों पर अच्छे लोग निर्वाचित होकर के सिविल कोर्ट में आए हैं। और जो गुंडई माफियागिरी में विश्वास रखते थे उनका पराभव हो गया, पतन हो गया। शमसुल हसन एडवोकेट, नव निर्वाचित अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। मैं अपने समस्त अधिवक्ताओं को नव वर्ष के मुबारकबादी देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि सारे अधिवक्ता सुखी और समृद्ध रहे, उनके परिवार भी अच्छे रहे। आप चौथी बार अध्यक्ष बने हैं? हम चौथी बार बने हैं अध्यक्ष। क्या आपका मुद्दा रहा कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं और चौथी बार आपको अध्यक्ष बना दिया गया? मुद्दे के साथ साथ लोगों की लाइकिंग है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं और हर पहलू पर इनकी नजर रहती है कि कौन सा व्यक्ति क्या है और क्या कर सकता है। अब भाइयों की निगाह में अच्छा लगा, उन लोगों ने मुझे बनाया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी भाइयों का। विनोद पांडे साहब, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के मूड में है? बिल्कुल लड़े और मऊ एकदम नंबर एक पर इनका सहयोग करेगा और हम लोग चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि बार काउंसिल ये पहुंचे और बार काउंसिल के चेयरमैन बने, यहाँ तक हम लोगों की शुभकामना है। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट सिविल कोर्ट मऊ। आप तो सस्पेंडेड एडवोकेट हैं जी। दुर्भाग्य है, बार का दुर्भाग्य भी था कि बिना वजह बिना कारण लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमारा ही नाम नहीं ना कारण बताया गया, बिना वजह हम लोगों का नाम काट के अलग कर दिया गया, वोट से वंचित कर दिया गया। उपेक्षा करते थे हमेशा। इन्होंने जब अधिवक्ताओं की बात आई, एक अधिवक्ता वकील साहब का को बुरी तरह से लोगों ने मारा था, उनका इन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद जब आम सभा की मीटिंग थी उसमें उन्होंने रखने का इस बात को प्रयास किया तो इनके साथ जोर जबरदस्ती मंत्री जी ने किया और इनका नाम काट के अलग कर दिया। सिर्फ मेरा दोस्त था, मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह मंच सबके लिए है, हम लोगों के लिए ही बना है, हमें क्यों वंचित, ऐसा नहीं लोकतंत्र की हत्या होने देंगे, तो मेरा भी नाम काट के अलग कर दिया गया। यही कारण था। अब आपको उम्मीद है कि आपको बहाल किया जाएगा? निश्चित तौर पे अच्छी रिजीम आई है, बहुत बढ़िया रिजीम आई है और हम लोगों ने मिलकर पूरी कोशिश करके अच्छी रिजीम लाया हूं और निष्पक्ष। अगर मैं आज भी कहता हूं कि हम दोषी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे दोषी हैं, तो नाम न लाया जाए, नाम
न लाया जाए, अगर दोषी है तो, अगर नहीं दोषी है तो निष्पक्ष तौर से नाम जोड़ा जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए जिन लोगों ने अवैध तरीके से नाम हम लोगों का काटे। इन लोगों ने जैसा कर्म किया, जैसा कार्य किया, आज पूरी अधिवक्ता समाज के क्रियाकलाप को देख करके इनको भरपूर अंजाम दिया, इनको बाइकॉट किया। मैं एडवोकेट अब्दुल कादिर, वर्तमान उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। यानी उस कार्यकाल में आप शामिल थे, तो क्या आपकी भी रजामंदी थी इन लोगों को सस्पेंड कराने में? हमारे रजामंदी नहीं थी सस्पेंड कराने में, क्योंकि मैं विनोद कुमार पांडे जी को एक क्रांतिकारी अधिवक्ता नेता के रूप में जानता हूँ और ये अधिवक्ताओं के सुख दुख में आगे बढ़ के शरीक रहते हैं। जैसे कि मैंने, मेरी जानकारी में है मोहम्मदपुर का आजमगढ़ का वाकया, जिसमें एक हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हो गई थी, जिसमें विनोद कुमार पांडे जी स्वयं उपस्थित होकर उस लड़ाई को लड़े और उसमें FIR भी पंजीकृत हुई और नामजद अभिजगढ़ की गिरफ्तारी हुई। मैं इसका श्रेय विनोद कुमार पांडे जी को देना चाहूँगा। और एक हमारे ही सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य बहाउद्दीन रहे हैं, उनकी भी जमीन को बदमाशों ने कब्जा करने की कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त भी वो मौके पर पहुंचे थे और उनको मौके पर देखकर बदमाशों ने मौका छोड़कर भाग गए थे, जिसकी वजह से अवैध कब्जा होने से बच गया था। और एक और हमारे ही बार के सम्मानित सदस्य रहे हैं सुरेंद्र कुमार यादव जी, उनको भी कुछ अभी बदमाशों ने मार पीट के बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके संबंध में विनोद कुमार पांडे जी ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, जिसके उपरांत FIR भी पंजीकृत हुई थी, अभिजगढ़ की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसी को लेकर बार में कुछ विवाद भी हुए। और चूंकि इन्हीं की अप्लीकेशन थी और इन्हीं के द्वारा उस मुद्दे को उजागर किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें मंच से बोलने के लिए बुलाया नहीं गया और उसी मुद्दे को लेकर इन्हें सदस्य से भी वंचित कर दिया गया। अधिवक्ता को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए, वो सम्मान का भूखा होता, सम्मान के लड़ता है। और मैं उम्मीद करूंगा इस वर्तमान नवनिर्वाचित रिजिम से कि वो इन बिंदुओं पर विचार करेंगे और अधिवक्ता सम्मान के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। मेरा नाम फतेह बहादुर सिंह एडवोकेट है, मैं अपने बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और करीब करीब 45 साल से ऊपर मुझे वकालत करते हुए हो गया। हमारा सदैव विचार रहा है कि यहाँ वकील जो हैं सिर्फ वकालत करें, वादकारियों का न्याय दिलाने के लिए मेहनत करें और वकालत फरे फूले, अन्य किसी भी तरह की गतिविधियों को हम कभी पसंद नहीं करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ अच्छे योग्य अधिवक्ता पैदा हो, जिससे मऊ जनपद का नाम प्रदेश में हो सके। पिछले कार्यकाल में देखा गया काफी तकड़ बकड़ मामला था, मैं ऐसा उम्मीद है। जिस तरह के लोग आते हैं अपने अपने आचरण के अनुसार वो काम करते हैं, लेकिन जो नया इस वक्त जो परिवर्तन हुआ है उसे उम्मीद है कि दोनों लोग अनुभवी हैं, गंभीर हैं, वकालत पसंद पेशा के प्रति ईमानदार हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि वकालत यहाँ फरे फूलेगी और मऊ के बाद कार्यों को न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है।